is just an excuse. Rise. One last push. One more time. Move. तो फाइनली दोस्तों हो गया है एशिया के सबसे हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट और साथ ही साथ रिलीज डेट भी फिक्स कर दिया गया है और इसके साथ एक पोस्टर भी हमें देखने को मिला है जिसे देखने के बाद ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से इस मूवी का इंतजार कर रही है और जल्द से जल्द थिएटर में जाकर इस मूवी को एंजॉय करना चाहती है क्योंकि इसके पहले आई ऋतिक सर की विक्रम वेदा मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और ऑडियंस उस मूवी से ज्यादातर निराश ही रहे पर इस मूवी से ऑडियंस काफी उम्मीद लगा के बैठी है क्योंकि यह मूवी ऋतिक सर की करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है क्योंकि इस मूवी में करीबन 250 करोड़ के बजट से इस मूवी को बनाया जा रहा है जिसको बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है जिन्होंने बैंक बैंक युद्ध और बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म पठान को डायरेक्ट कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह मूवी किस लेवल की होने वाली है क्योंकि इस मूवी का अनाउंसमेंट काफी समय पहले हो गया था पर मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी पर अब देखने को मिल रहा है कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेकर से कहना है कि जल्द से जल्द इस मूवी का भी ट्रेलर हमें देखने को मिलने वाला है अब बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो एज ए लीड रोल में हमें ऋतिक रोशन सर देखने को मिलने वाले हैं जिनके साथ साथ बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर अनिल कपूर के साथ साथ करण सिंह ग्रोवर इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं तो अगर आप लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अब बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो अभी इस मूवी को रिलीज होने में काफी समय बाकी है क्योंकि यह मूवी अगले साल यानी कि 25 जनवरी 2024 को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है तो अगर आप बॉलीवुड और साउथ की मूवीज को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मूवी के रिलीज होते ही मैं मूवी का लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसे क्लिक करके आसान अपने फोन में देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।